डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सर इफ एल्स फॉर लूप, ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। यस, ये सारे के सारे क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। एक आपने सुना होगा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो जनरली स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया होगा कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, जैसे कंडीशनल होगी, इंटरप्ट हो गया, ब्रांच हो गया, तो वो तो हम जनरली यूज नहीं करते रियल लाइफ में। हम लोग जो है वो ब्रांचेस को या जो वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को नहीं यूज करते। हम तो क्या करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, उन प्रोग्राम्स के बैक एंड पे जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस वर्क करती हैं। तो होता क्या है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस या कंट्रोल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरली देखो, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, आपने कोई भी सी प्रोग्राम लिखा, अब सी प्रोग्राम इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, या आप कह सकते हो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक फॉर्मेटेड है, पहले हेडर फाइल, फिर वही मेन ब्रैकेट, ये सारा कुछ। तो यहां पे होता क्या है, जनरली जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो कंपाइलेशन हमारी एक तरह से क्या होती है, मेन से स्टार्ट होती है और फिर एक एक करके एक एक लाइन को क्या करता है, कंपाइल करता है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और फिर आपको आउटपुट शो करता है। तो जनरली क्या होता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, मतलब एक तरह से सीक्वेंशियल कंपाइलेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंशियल ही होगा। कई बार क्या होता है कि आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, आप लेट से एक एक करके कर रहे थे, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे पहुंचे उसने ऐसा आउटपुट दिया कि आप जंप करके किसी नई इंस्ट्रक्शन पे चले गए, मतलब बीच वाली वो इंस्ट्रक्शंस नहीं एग्जीक्यूट हुई। क्या ऐसा हो सकता है? यस। और ये किस में होता है, आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। जैसा कि हम बात करें इफ एल्स की बात करें या फिर लूप्स में बात करें, फॉर लूप की बात करें, व्हाइल लूप की बात करें, डू व्हाइल, तो इन सब में जो है वो इस तरीके की चीजें पॉसिबल है। तो एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ऑलरेडी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज इसकी होगी भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पे सम ऑफ, यहां पे ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, दो नंबर में कौन सा बड़ा नंबर है वो हमें चेक करना है। तो नंबर वन नंबर टू ले लिया, यूजर से हमने एंटर करवा लिया। अब देखो यहां पे इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नम टू, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, लेट से मैंने नंबर दिया 10 और 20, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, मतलब आपका इफ वर्क कर रहा है और इफ में जो भी लिखा हुआ है अर्थमेटिक है, लॉजिकल, वट एवर इट इज रिटन, उसको क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करके, और ये काम करता है सिर्फ बूलियन वैल्यू पे। याद रखना ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे ही वर्क करता है। इसके अंदर आप जो भी दोगे या तो ट्रू वैल्यू पे काम करेगा या फॉल्स, या अगर आप वैल्यू भी देते हो ना, लेट्स से अगर आपने दे दिया इफ वन, तो इसका मतलब भी क्या है, वन इज व्हाट, वन इज रिप्रेजेंटेड अ ट्रू वैल्यू। अगर आप लिखते हो इफ जीरो तो मतलब क्या है, वो फॉल्स पे काम कर रहा है। तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स पे ही वर्क करता है। तो जब भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 10 ग्रेटर देन 20, क्या आया दिमाग में, नहीं नहीं, मतलब ये नहीं है ग्रेटर, मतलब फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह से फॉल्स हो गया। तो जैसे ये फॉल्स हो गया तो जो इसके अंदर ये ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई थी, ये किसका ब्लॉक था, ये ब्लॉक था आपका इफ का। तो यानी ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब कंट्रोल इसमें जाएगा ही नहीं। क्यों, ये कंट्रोल कब जाएगा, जब ये ट्रू होगी, जब ये ट्रू होगी, और ट्रू होती तो अंदर जाता, लेकिन ये क्या हो गई, फॉल्स। तो यानी ये कंट्रोल जो है एक तरह से जंप करके सीधा एल्स पे चला गया। बस यही है आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट, एल्स में जाएगा, एल्स में क्या होगा, एक तरह से ऑब्वियसली अगर ये फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू ही होगा। इफ एल्स का मतलब ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एक अगर ठीक है तो दूसरा फॉल्स ही है, ठीक है ना, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू ही है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है कि नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, क्योंकि आपने यहां पे ये वाला सिंबल यूज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि एल्स में आपको दूसरा मेंशन करना पड़ेगा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, अगर एक कह रही है कि ये ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा, अगर एक कह रहा है फॉल्स तो दूसरा ट्रू ही होगा। तो यानी यहां पे आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में आया और उसमें प्रिंट एफ कर दिया कि नंबर टू क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। तो एक तरह से कई बार आपने डायग्राम में भी देखा होगा इस तरीके से कि हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं ना कि इफ यहां पे जो भी कंडीशन दी है, अगर तो जी कंडीशन हो जाती है ट्रू,
कंडीशन हो जाती है ट्रू। तो लेट से अगर ये मेरी स्टेटमेंट वन थी तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा। और लेट से ये मेरी स्टेटमेंट अगर टू थी, अगर ये हो जाती है फॉल्स तो क्या करेगा, स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। तो दोनों में से एक ही चीज ट्रू हुई, अगर ट्रू हुआ तो ऐसे करके निकल गया, अगर फॉल्स हुआ तो ऐसे करके निकल गया, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल जो है वो इस तरीके से फ्लो करता है इफ एल्स में। एक दो और एग्जांपल आपको बताता हूं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां पे मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स भी कर सकते हैं, तो उसमें आपके दिमाग में आया सर हाँ अपा इफ एल्स इफ और एल्स इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपने लिखा इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन दिस दिस दिस, नंबर टू इज ग्रेटर देन दिस एंड नंबर थ्री, मतलब तीनों में आपने इफ को यूज किया। आप इसमें वैल्यूज और लेट से 10, 20, 30, ये दिखा देगा कि 30 इज ग्रेटर नंबर, 30 इज ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन इसी चीज को मैं देखो यहाँ पे ध्यान से नोट कर लेना, इफ 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 इस तरीके से, तो ये गलत नहीं है, आप एग्जीक्यूट करके देख लेना, ये आंसर दिखाएगा, ये आंसर दिखाएगा। आप n1 की वैल्यू ले लेना 10, 20, 30, ये दिखाएगा कि 30 इज द लार्जेस्ट नंबर, ये गारंटी है। देन इसी चीज को मैंने ऐसे भी लिखा, यहां पे मैंने लिखा इफ n1 इज ग्रेटर देन दिस दिस, एल्स इफ n2 इज ग्रेटर देन दिस दिस, एल्स, अब एल्स में तो हमें पता है लिखना ही नहीं होता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये तो आएगी आएगी। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब आपको लगेगा सर इन दोनों में फर्क क्या, दोनों ही सही है, दोनों ही सही आउटपुट देंगे, दोनों में फर्क क्या है। पहले तो यहाँ पे देखो एल्स इफ का सिंटेक्स, एल्स इफ इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो आपको इन दोनों का राइटिंग का तो पता लग गया कि कुछ डिफरेंस है, लेकिन लॉजिकल क्या डिफरेंस है। देखो अगर आप वैल्यू ले लेते हो 10, 20, 30, तो ये भी सही आंसर दे रहा है, वो भी सही आंसर दे रहा है, लेकिन अगर आप वैल्यू ले लेते हो लेट्स से 20, 20, 20, मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन अगर ट्रू हो जाती है, मतलब आपकी जो यहां पे जैसे ये इफ ने क्या देना है ट्रू, मतलब ये इफ ने इंटरनली क्या देना है, देखो n1 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इक्वल भी है ना, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू, एंड 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू, तो ये क्या हो गया ओवरऑल ट्रू हो गया, तो यानी ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंट होते ही ट्रू होते ही ये यहां पे चला जाएगा कंट्रोल, नो, ये उसके बाद दोबारा फिर इफ पे गया, नेक्स्ट इफ पे गया, 20 ग्रेटर देन 20 यस, 20 ग्रेटर देन 20 यस ट्रू, मतलब मल्टीपल आपके ट्रू हो गए प्रेडिकेट्स, मल्टीपल ट्रू हो गए, तो ये इसको भी प्रिंट कर देगा, फिर यहां से जंप करके इधर नहीं जाएगा, यहां से जंप करेगा ही नहीं, दोबारा फिर इफ पे चला गया 20 ग्रेटर देन 20 यस, 20 ग्रेटर देन 20 यस, और ये प्रिंट कर देगा, मतलब ये तीन बार, थ्री टाइम्स प्रिंट करेगा कि 20 इज द लार्जेस्ट नंबर, 20 इज द लार्जेस्ट नंबर, 20 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको कहानी पता लग गई कि अगर मल्टीपल आपके ट्रू हो जाते हैं तो ये सबको एग्जीक्यूट करेगा। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी मैंने नंबर्स तीनों सेम ले लिए, नंबर्स तीनों सेम ले लिए, इफ 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू, ये क्या हो गया, इसने क्या इवैल्यूएट करके क्या आउटपुट दी, ट्रू, ट्रू होते ये प्रिंट एफ 20 इज द लार्जेस्ट नंबर, और यहां से जंप करके सीधा आउट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एक तरह से दोबारा मेंस पे कंट्रोल गया और आप बाहर आ गए, तो यहां से इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इफ एल्स है, इफ एल्स है, इफ एल्स का मतलब पहले ही बता चुका हूं कि इफ एल्स का मतलब क्या है, अगर इफ जो है वो ट्रू हो गया तो फॉल्स ही होगा उसके बाद, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, आपको यहां पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एल्स यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे इफ 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 यूज कर रहे थे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हुआ, ट्रू तो दूसरा फॉल्स नहीं है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है, अगर दूसरा ट्रू हुआ तो ये भी एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट, हाँ अगर दूसरा फॉल्स है फिर तो चलो बात अलग है, लेकिन अगर दो ट्रू हो गए तो वो दोनों पे काम करेगा, लेकिन यहां पे इफ एल्स में एक ट्रू हो गया तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये कहानी जो है बड़ी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन इंटरव्यूज के लिए भी। तो गाइज याद से वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।